दोस्तों मुनव्वर फारूकी ने आज ही के दिन ऐसा कहा जा रहा है उनके फैंस द्वारा कि भाई एक ही दिन में दो दो सरप्राइजेस दे रहे हैं, जबकि आज जो एक उनका प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी डिले था, मतलब 10 तारीख को आने वाला था जो कि 9 तारीख को उन्होंने खुद डाल दिया एक दिन पहले, और एक प्रोजेक्ट को लेकर ये बातें सामने आ रही थी कि भाई अब तो ये नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी वो चीज़ें जो है वो रिलीज हो चुकी हैं, तो अब उसका अपलोड करके कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाल फिलहाल एक ही दिन पे दोनों चीज़ें आना, ये क्या संकेत दे रहा है और किस लिए आज ही के दिन पे दोनों चीज़ें डाली गई हैं, सबसे पहले तो इस बारे में बात करेंगे। नमस्कार आप सभी का, आप देख रहे हैं फीफा फूस, मेरा नाम गणेश कांदू है, स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का। आपको बता दें कि आज ऑलरेडी मुनव्वर का एक सॉन्ग आ चुका है जिसका नाम है धंधो। इसके पहले उन्होंने स्पेक्ट्रा के साथ काम किया है और आज स्पेक्ट्रा के साथ दोबारा से जो इनका गाना आया, लोग उसको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। बट आज एक और चीज़ आई, नेटफ्लिक्स के यूट्यूब चैनल पे मुनव्वर का एक वीडियो अपलोड हुआ है, रोस्टिंग का वीडियो बेसिकली, जिसमें कास्ट ऑफ हीरा मंडी दिखाई दे रही है, जैसे संजीदा है उसमें, प्लस मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा और भी तमाम लोग जो उस सीरीज से जुड़े हुए हैं। और आपको बताऊं अगर तो लोग ऑलरेडी उस रोस्टिंग वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, बट अदिति राव हैदरी और मुनव्वर का कुछ तो फन बेंटर हुआ जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई इसके भी प्यार में गिर गया क्या, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये आखिरकार मुनव्वर को भी कोई रोस्ट कर सकता है, ऐसी तमाम बातें सोशल मीडिया पर हो रही हैं। बट इसी नेटफ्लिक्स के जो ये वीडियो अभी अपलोड हुआ है इसको लेकर बातें ये हो रही थी सोशल मीडिया पे कि भाई अब शायद नहीं आएगा, बिकॉज हीरा मंडी को आके थोड़े दिन हो चुके हैं और अब ऑलरेडी प्रमोशन से लोग ख़त्म कर चुके हैं, अब ऐसे समय पे वीडियो डालने का कोई मतलब नहीं बनता। बट अब शायद लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इस चीज़ को डालने के बाद क्या मतलब बनता है और किस लिए वीडियो अपलोड किया गया है। फिलहाल फैंस की तो चांदी है क्योंकि एक दिन दो सरप्राइजेज, इस पर आप लोगों की क्या राय है ज़रूर बताएगा हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिख कर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, धन्यवाद।